टाटा की मैं दाद देना चाहता हूँ। इतनी छोटी सी गाड़ी में भी आपको ये सारा कुछ फीचर्स दिया हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो भाई वो सबसे छोटी हैचबैक का होने वाला है टाटा की तरफ से। ये है टाटा टियागो। ये गाड़ी 5,60,000 से स्टार्ट होकर 9 लाख रुपए तक की जाती है और इसमें पेट्रोल, ईवी, सीएनजी सब आता है भाई। तो इसी वजह से भाई इस गाड़ी की जो है ना सेल्स फिगर्स भाई ऊपर होते जा रही है। फिलहाल ये है पेट्रोल वर्जन और इसकी जो फ्रंट लुक देख लो भाई, इसकी फ्रंट लुक इस तरह की है। इसकी जो ग्रिल है ना भाई ट्राई श्रेप की है, इस तरफ को जाती है और इस ये वाली जो साइड है वो इधर को आती है और बीच में टाटा का लोगो है। और फ्रंट इसका इस तरीके का देखो भाई, ये इसका फ्रंट है ओवरऑल। बाकी हेडलैम्प्स की बात करोगे तो हेलोजन हेडलैम्प्स आते हैं, हाई बीम लो बीम इसी में आता है। इंडिकेटर्स का यहाँ पे आता है, मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। ये देखो ये इसका इंडिकेटर जल गया और इसमें कोई भी डीआरएल्स नहीं आती है, ठीक है। बाकी ओवरऑल लुक इसका अच्छा लगता है, मतलब फ्रंट लुक जो है जितनी भी छोटी हैचबैक्स है ना उसके कंपैरेटिवली भाई मुझे पर्सनली इसका अच्छा लगता है लुक। बाकी यहाँ पे देखो ये पियानो फिनिश में जाता है। इस वाले मॉडल में जो है वो फॉग लैम्प्स नहीं आते, बट जनरली इसमें फॉग लैम्प्स आते हैं। बाकी देखो नीचे भी ब्लैक्ड आउट है जो कि काफी अच्छा लगता है, देखो ओवरऑल लुक। बाकी की बात करेंगे तो भाई फ्लिप की आती है इसके अंदर और एक पावर बटन के साथ आती है, एक नॉर्मल आती है। तो इसमें लॉक, अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प, मतलब अगर आप इसको जलाओगे, मान लो पार्किंग में खड़ी आपकी गाड़ी, आपने ये जलाई तो इसके हेडलैम्प्स ये देख रहे हो ये जल गए इसके। तो आपको बता दी गाड़ी में यहाँ खड़ी हूँ, तो अगर बंद करना हो तो ये बंद कर दो। साइड प्रोफाइलिंग की बात करेंगे, टायर साइज जो है वो 14 इंचेस का है, 175/65R14 और जो ग्राउंड क्लियरेंस है भाई वो 168 है, थोड़ी सी कम है बट लेकिन एनआरजी मॉडल ले लो उसमें ज्यादा है। साइड में भाई ORVMs में इंडिकेटर्स आते हैं, ये देखो ये चलते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसमें अंदर चल के बात करते हैं तो भाई अंदर आ गए हैं। अंदर जो इसका स्टेयरिंग है, इसके स्टेयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो भाई देखिए टेलीस्कोपिक नहीं होता है, सिर्फ टिल्ट होता है ऊपर नीचे और मतलब काफी अच्छा स्टेयरिंग है। इसके स्टेयरिंग का जो फीडबैक है वो भी अच्छा है और काफी ज्यादा लाइट है। बाकी जो ऑडोमीटर वगैरह है, जो उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पूरा का पूरा डिजिटल आता है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और इसके जो फ्यूल की जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट हैंड साइड में देता है और बाकी स्पीड मीटर जो है वो बीच में है, साइड में जो है वो RPM से। ये देखिए अगर मैं गाड़ी को स्पीड दूंगा हल्की सी, RPM से ऊपर बढ़ जाएंगे और बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देता है। बाकी एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स इसके दिए हुए हैं, इन दोनों ही से आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी एंटरटेनमेंट सिस्टम आता है और इसके कंट्रोल जो है वो स्टेयरिंग में ही आता है, राइट हैंड साइड में कोई भी क्रूज कंट्रोल नहीं आता है इसमें। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है इस वाले स्पेसिफिक मॉडल में। बाकी यहाँ पे स्पेस है, इसका लेआउट जो है ना डैशबोर्ड का वो मुझे अच्छा लगता है काफी। मतलब हैचबैक आप जितनी मर्जी देख लो, छोटी मिनी हैचबैक जो है इस प्राइस रेंज में उन सबसे अच्छा मुझे इसका डैशबोर्ड लगता है। बाकी 4-स्टार रेटिंग तो है ही भाई सेफ्टी में, तो वो अमेजिंग है ही। और बाकी एयरबैग्स स्टैंडर्ड है, 2 एयरबैग्स आते हैं, एक फ्रंट, दोनों ही फ्रंट में, एक यहाँ पर और यहाँ पर। भाई इसका जो बैक कैमरा है वो देखिए, बहुत ही इतनी छोटी गाड़ी के अंदर भाई इतनी अच्छी क्वालिटी का बैक कैमरा देखो, कितना जबरदस्त लग रहा है, देख रहे हो आप। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है, HD है, लेकिन जबरदस्त है भाई इस रेंज की गाड़ी में, इस सेगमेंट की गाड़ी में देखो। और ये थोड़ा सा पार्किंग सेंसर है जो कि भी हम पीछे जाके बात करेंगे। बाकी देखो थोड़ा हल्का सा लैग करता है, जैसे मैंने गियर डाला एकदम से आ गया और जैसे उतारा तो ये हल्का सा जाने में दिक्कत करता है, मतलब अदरवाइज ठीक है। बाकी टच वगैरह इसका कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बाकी ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो ग्लव बॉक्स यहीं से खुलता है और ये अच्छा खासा डिसेंट स्पेस है ग्लव बॉक्स में। यहाँ पे मैनुअली आप इसके AC को एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पे USB का चार्जर आता है और 12 वॉट का सॉकेट आता है। थोड़ा सा स्पेस है जिसमें आप अपना मोबाइल या थोड़ा बहुत सामान अपना रख सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल गियर आते हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इसका फीडबैक भी अच्छा है, लास्ट वीक मैंने चलाई थी, आपको वीडियो भी शेयर करी थी, वो आप देख सकते हो। कप होल्डर्स यहाँ पर आते हैं, कप होल्डर्स छोटे छोटे कप होल्डर हैं। प्लास्टिक क्वालिटी हालांकि थोड़ी सी बेटर हो सकती थी बट ठीक है, इस प्राइस रेंज में आप ज़्यादा कुछ कंपेयर कर भी नहीं सकते, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी ब्रेक लीवर यहाँ पर है ही। टाटा की मैं दाद देना चाहता हूँ, कितना प्रैक्टिकल यूज़ करता है ये देखो। यहाँ पे स्पेस कितना कम है, इसको थोड़ा सा और गेट की तरफ को उन्होंने बंद वो किया है ताकि बॉटल आराम से आ सके। तो यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी, थोड़ा सा सामान और रख सकते हो। बाकी यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत स्पेस है कॉइन्स रखने के लिए यहाँ पर है। चारों पावर विंडो आते हैं और ये इसका लेआउट है, ड्यूअल कलर में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ORVM है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं, फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते इस मॉडल में। और बाकी दूसरी साइड ये भी, बाकी सीट की कुशनिंग बहुत जबरदस्त है, ये देखो कितनी बड़ी है थाई सपोर्ट। मेरा थाई जो है वो आराम से टिकी है, 5'7" मेरी हाइट है और लंबा सपोर्ट जो बैक सपोर्ट है वो भी काफी अच्छा है, सॉफ्ट है। तो भाई मैं तो टाटा को इस मामले में काफी ज्यादा खुश हूं मैं पर्सनली। बाकी IRVM जो है वो मैन्युअली एडजस्ट हो जाता है, डे एंड नाइट दोनों। वैनिटी मिरर आता है विदाउट लाइट के और वैनिटी मिरर ड्राइविंग साइड नहीं आता है। बाकी प्रैक्टिकल फीचर जो है वो ये है कि भाई मिडल में लाइट दी हुई है तो पूरे के पूरे कैबिन के अंदर आपको लाइट मिलेगी, ठीक है। अब पीछे चलते हैं, पीछे चलने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर सीट को भी एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है। तो भाई ये देखो सीट को आप हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हो अपने आप में मैनुअली है, देखो ऊपर जा रही है सीट, नीचे करना है तो नीचे चली आएगी। तो ये प्रैक्टिकल फीचर है, इतनी छोटी सी गाड़ी में भी आपको ये सारा कुछ फीचर्स दिया हुआ है। अब पीछे चल के देखते हैं,
पीछे की सीट पे आ जाओ तो भाई लेग रूम तो देखो जबरदस्त है इस गाड़ी में यार। इसमें हमेशा से टियागो की मैं इसीलिए तारीफ करता हूँ क्योंकि देखो इतनी छोटी गाड़ी होने के बाद भी ना लेग रूम, अगर आप इतनी छोटी गाड़ी में जाओगे किसी भी गाड़ी में, मारुति की गाड़ी में अगर आप जाओगे, ऑल्टो की बात अगर करो तो भाई ऑल्टो में इतना स्पेस नहीं आता है। बाकी लेग रूम थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है। देखो एक ना ये उठा हुआ है, देखो ये हमेशा टाटा की हर गाड़ी में ये उठा हुआ होता है तो उससे आपके थाई को ना पूरा प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। बाकी डोर में वही एक लीटर की बोतल तो आराम से बैठ जाएगी, थोड़ा सा सामान और रख सकते हो, कॉइन्स हैं यहीं पे, पावर विंडो के लिए इसका स्विच है, इसका जो लीवर है गेट ओपन करने का वो यहाँ पर दिया हुआ है। एड्रेस बताना भूल गया था दोनों में पीछे, हालांकि एड्रेस बताना भूल गया था, दोनों में एड्रेस आते हैं, एडजस्टेबल है, पीछे वाले जो है वो दो ही एड्रेस आते हैं, एडजस्टेबल नहीं है। बाकी स्पेस भाई थोड़ा सा टाइट है, तीन लोग हेल्थी नहीं बैठ पाएंगे, दो लोग आराम से बैठ जाएंगे, एक बच्चा बैठ जाएगा। तो ये जितने भी हैचबैक आप ले लो, छोटी मिनी स्टार्टिंग वाली जो है वो, उन सबके साथ यही प्रॉब्लम है, किसी में भी कोई भी भाई पांच लोग आराम से हेल्दी लोग नहीं बैठ सकते, चार लोग आराम से बैठ जाएंगे, चार हेल्दी भी ना बहुत आराम से कंफर्टेबली जाएंगे। बाकी गाड़ी चलाने में बहुत जबरदस्त है, मैंने टाटा टियागो चलाई थी ईवी लास्ट वीक वाली वीडियो में आपने देखा होगा, बहुत ही जबरदस्त है। वो तो ईवी है बट वैसे भी इसके डायनेमिक्स जो है गाड़ी के और जो परफॉर्मेंस वगैरह वो इक्वली है, तो वो मेरे को काफी अच्छा लगता है। बाकी स्पेस देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे, जिसमें आप अपना आई थिंक बॉटल भी रख सकते हो और थोड़ा सा कप भी रख सकते हो। बाकी पैसेंजर के लिए पीछे कुछ रखने के लिए स्पेस नहीं है। बाकी ट्रे आती है यहाँ पे, और इसका एक बार रेयर व्यू दिखाता हूँ और बूट स्पेस भी दिखाता हूँ आपको। रेयर की बात करेंगे तो भाई स्टॉप माउंट लाइट आती है, स्पॉइलर आता है, और ये देखिए थोड़ा सा व्हाइट और ब्लैक में काफी अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। बाकी इसका ये व्यू है, यहाँ पे कैमरा है, दो पार्किंग सेंसर्स है जो आज कर रहे थे जब हमने बैक कैमरा चलाया था, और ये इसका ओवरऑल लुक है रेयर का। बाकी बूट स्पेस की बात करेंगे तो आप चाबी से इसके बूट्स को खोल सकते हो, और बूट्स जो है इसका 242 लीटर्स का है, अच्छा खासा डिसेंट बूट स्पेस है, कोई मैं ये नहीं कहूँगा इतना बड़ा और इतना छोटा है, बट लेकिन इस गाड़ी के हिसाब से बहुत सही है। बाकी हुक्स वगैरह जो है वो यहाँ पे देखिए, आप इसको अगर ओपन करोगे तो यहाँ से टूल वगैरह आपके यहाँ निकल जाएंगे, ये रे टूल्स वगैरह। बाकी इसके जो टायर है सेम साइज का टायर इसमें मिलता है, टायर इसकी यहीं पे अंदर ही किधर आता है, जेके टायर्स साथ में देती है टाटा कंपनी टियागो के, और ये इसका वो भाई इमरजेंसी साइन है कि भाई अगर पंचर वंचर हो जाए या गाड़ी खराब हो जाए तो आप ये लगा के पंचर वंचर लगा सकते हो। बाकी ओवरऑल ये इसका लुक आप देख सकते हो। हाल अभी मैं हूँ सागर मोटर्स, अगर आपको कोई भी गाड़ी बुक करनी हो तो भाई ये रहा सागर मोटर्स का नंबर, आप इस पे यहाँ पे आके इस गाड़ी को बुक कर सकते हो, या टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हो टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूंगा। तो ये था भाई टाटा टियागो का रिव्यू, अगर ये वीडियो पसंद आया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।